हम देश के प्रधानमंत्री को यह पूछना चाह रहे हैं। लोग अक्सर बोलते हैं ये ओएसी बहुत खाली एक समुदाय की बात करता है। मैं कभी एक समुदाय की बात नहीं किया, मैं आसमान के नीचे बसने वाले भारत की, इस अजीमुशान सरजमीन पर बसने वाले भारतीयों की, गरीब और मजलूमों के इंसाफ की बात करता आया हूं। और आज मैं पूछना चाह रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि देश के प्रधानमंत्री, आप युवाओं को नौकरी क्यों नहीं देते? 7 लाख नौकरियां हैं, सुनो कच्छ के बेरोजगार नौजवानों, सुनो गुजरात के बेरोजगार नौजवानों, सुनो भारत के बेरोजगार नौजवानों, गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास 7 लाख नौकरियां हैं और 8 साल से देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे। मोदी सिर्फ भाषण देते हैं, वादे करते हैं, ड्रामा करते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी सरकार। पीएम ने 10 लाख नौकरियां देने के निर्देश दिए हैं और इस बाबत थोड़ी देर पहले यह जानकारी दी गई जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो नौकरियां हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका रिव्यू किया है और उसके बाद यह निर्देश दिया है। पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूमन रिसोर्सेज का जो स्टेटस है उसको रिव्यू किया है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और मिनिस्ट्रीज में और उसके बाद 10 लाख नौकरियों की गुंजाइश बनती है। अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी।